नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। प्रमुख सचिव अशोक शाह डिंडोरी दौरे पहुंचे। प्रमुख सचिव अशोक शाह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग एवं श्रम विभाग एक दिवस के लिए डिंडोरी पहुंचे। जिला पंचायत में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में कहा कि डिंडोरी जिले को औद्योगिक जिला बनाएंगे। डिंडोरी जिले में जो व्यक्ति उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनको उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और इसी के साथ 40% सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रमुख सचिव अशोक शाह गुरुवार को जिला पंचायत प्रांगण में हितग्राहियों को ऋण तथा इकाइयों का वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर बी कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक सोलंकी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमएल वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। 20% या मैक्सिमम 2 लाख रुपए मार्जिन बनी है, जिसमें केवल ओबीसी का प्रीमियम या मैक्सिमम 12 लाख रुपए और अन्य वर्गों के लिए 20% या मैक्सिमम 18 लाख रुपए, मतलब एससी एसटी उनके लिए मार्जिन बनी। औद्योगिक दृष्टिकोण से बैकवर्ड जिला है, यहाँ पर कृषि और आजीविका है और सारे लोग खेती के काम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है एमएसएमई डिपार्टमेंट का कि यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे शुरू किए जाए ताकि लोग रोजगार भी मिले और अपनी प्रगति भी करें। तो 3 क्षेत्र हम लोगों ने यहाँ पर पहचान किए उनके साथ में मिल के कि जो यहाँ पर फोटो फूड का उत्पादन होता है उसका प्रोसेसिंग करके, फूड प्रोसेसिंग करके उसकी पैकेजिंग करके उसके लिए कलस्टर बनाएंगे उसके लिए, ताकि इसको बाहर।